bismillahirrahmanirrahim Alaikum. i hope you all are fine and staying safe and happy i am your gk teacher miss farheen and i welcome you all to your gk class so my dear students as you know that we are on chapter number फाइव एंड द नेम ऑफ आर चैप्टर इज एग्रीकल्चर एंड लाइफ स्टॉक टूडे आई एम गोइंग टू डिलीवर इट्स फिफ्थ लेक्चर बट बिफोर मूविंग ऑन टू लेक्चर लेट्स क्विकली वी इन द प्रीवियस लेक्चर सो इसके लिए आपको करना क्या है आपको क्वेश्चन को बड़ा केयरफुली सुनना है वीडियो को पॉज कीजिएगा और फिर क्वेश्चन का आंसर करिएगा ठीक है सो क्विकली टेल मी दैट व्ट इज एनिमल रेयरिंग एनिमल रेयरिंग यानी कि एनिमल रेयरिंग किसको कहा जाता है When you breed the animals for the purpose of agriculture and to obtain food from them for, for your use, this is called animal rearing. Okay, name some animals reared in Pakistan. Animal rearing ke taur liye jo hai unko breed karajata hai. Cows, goats, hen, fish, uh, camel, horse, these all are animals that are reared in. पाकिस्तान ओके माई डियर स्टूडेंट्स नाउ इस टाइम फॉर अ प्रोजेक्ट यानी कि आज हमारा एक्टिविटी बेस्ड वर्क है और हम एक प्रोजेक्ट बनाएंगे आपने इंस्ट्रक्शंस को बहुत गौर से सुनना है मैं पिक्चर्स जो है मैंने प्रोजेक्ट बनाया था और मैंने उसकी पिक्चर्स क्लिक की हैं आपने भी इसी तरह से अपना प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट करना है सो माई डियर स्टूडेंट्स बट बिफोर दैट लेट्स क्विकली लुक एट द इस्लामिकस्पेक्टिव ही इट इज हैज मेड द अर्थ सब्जर्व टू यू easy for you to walk to and live to do agriculture on it so walk in the paths thereof and eat of his provision and to him will be the resurrection so my dear students allah taala jo hain wo is ayat mein bata rahe hain ki allah taala ne insaan ko apna naib banakar duniya mein bheja और बहुत सी चीजें जो है इंसान की आसानी के लिए बनाई है ताकि वो इस दुनिया में रह सके जैसे कि काश्तकारी कर सकता है इंसान इसके अलावा मुख्तलिफ खाने की चीजें जो है वो इंसान के लिए पैदा की हैं कुछ जो हम जानवरों से हासिल करते हैं कुछ जो हम पौधों से हासिल करते हैं तो इंसान को चाहिए कि वो हमेशा हलाल रिस्क जो है उसकी तगोदों में जो है वो लगा रहे ओके मैं क्योंकि हम सबको जो है अल्लाह ताला की तरफ लौट कर जाना है ओके नाउ वेयर डाज वूल फॉर स्वेटर्स कम फ्रॉम उन जो है या वूल जो है वो कहां से आती है जिससे हम स्वेटर्स बुनते हैं। It comes from Sheep की वो जो जो वूल्स है, है, वूल जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं जिससे जो है वो स्वेटर जो है वो बनता है है। वो वो स्वेटर बनता अक्सर औकात ओके माय डियर स्टूडेंट्स सो हेयर इज प्रोजेक्ट सो प्रोजेक्ट हमने क्या किस तरीके से बनाना है वी गेट कॉटन फ्रॉम प्लांट्स हाउ डू वी मेक एंड सिल्क क्लोथ एक्सप्लेन दिस प्रोसेस थ्रू अ मॉडल सो so, आज हमने एक मॉडल मेकिंग करनी है जिसके लिए जो है आपको मुख्तलिटी जो है वो यूज करना होगा जैसे जो है हम कॉटन uh, जो है वो हम पौधों से हासिल करते हैं ऊन जो है वो, uh, वो हम पौधों से हासिल करते हैं रुई जो है इसी तरह वुलन uh, और सिल्क क्लोथ्स के लिए uh, कहाँ से जो है इनकी चीजें हासिल की जाती है इसपे हम एक मॉडल बनाएंगे सो माई डियर स्टूडेंट्स द मेजर पर्पज ऑफ रिंग दीज ओके सो हाउ डू वी गेट सिल्क क्लोथ्स तो जो सिल्क के कपड़े होते हैं वो हम कैसे बनाते हैं सो लेट्स अ लुक ये एक मॉडल है जो कि मैंने बनाया था तो आप देखें यहां सबसे पहले जो है वो एग स्टेज होती है, यानी कि जो मॉथ्स होते हैं उनसे जो है वो एग्स जो है वो आते हैं उसके बाद दे ग्रो अप इनटू टू लार्वल स्टेज और उसके बाद ये पत्ते खाते हैं और उसके बाद दे टर्न इनटू प्यपल स्टेज कुकून स्टेज होती है जिसमें ये अपने इर्द गिर्द जो है वो अपने मुंह से निकलने वाला जो सिल्क थ्रेड होती है वो लपेट लेते हैं उसके बाद जो है या तो ये इसके अंदर से दोबारा एडल्ट मोथ जो है वो निकल आता है लेकिन इस स्टेज में इनको बॉइल कर कर इनके ऊपर से ये जो धागा है सिल्क का जो थ्रेड है इसको उतार लिया जाता है और इससे जो है वो सिल्क क्लोथ्स जो है वो बनते हैं सो प्रोडक्ट्स आर मेड फ्रॉम सिल्क सो इस तरीके से जो है वो सिल्क जो है वो हासिल की जाती है ठीक है ओके okay, तो ये तो हो गया कि हम सिल्क के कपड़े किस तरीके से हासिल करते हैं अब आप देखें कि ऊन किस तरह हासिल की जाती है शीप्स जो हैं उनको ब्रीड करवाया जाता है उनकी ऊन उन जो है उसको उतारा जाता है और उसके बाद उससे थ्रेड्स बनाई जाती हैं और उसके बाद उनसे स्वेटर्स जो हैं वो बुने जाते हैं सो so, इस तरीके से जो है वो वुलन क्लोथ हम हासिल करते हैं या पून जो है हम हासिल करके उससे स्वेटर्स जो है वो बनाते हैं सो so, आपने वीडियो को पॉज करना है और अपने प्रोजेक्ट को इसी तरह पिक्टोरियल फॉर्म में आपने चार्ट पे डिस्प्ले करना है और फिर अपनी क्लास में आप उसको लगाइएगा आई होप एवरीबडी हैज डन इट ओके माय डियर स्टूडेंट्स सो नाउ इज द टाइम फॉर प्रैक्टिस फॉर प्रैक्टिस यू विल डू एनालिसिस एंड एंड इंटरप्रिटेशन गिवेन ऑन पेज नंबर फोर्टी क्विकली ओपन दिस पेज I hope everybody has opened the page so my dear students fill in the blanks the words are given here with the help of these words you will fill in the blanks pakistan is mainly an dash country an agricultural country about dash of the land in pakistan is fertile for growing crops about 25% of the land in pakistan is fertile for growing crops Number three is agriculture needs a dashed soil and water to grow crops. It needs a fertile soil. The two types of crops grown in Pakistan are food crops and cash crops. People get mead and leather from camel. So, this is how you will complete analysis and interpretation. Pause the video and quickly finish it.

सिल्क थ्रेड अराउंड इट सेल्फ और इस तरीके से जो सिल्क थ्रेड है वो लेकर और उससे सिल्क के कपड़े बनाए जाते हैं वेयर डज वुल कम फ्रॉम इट कम्स फ्रॉम शीप्स सो फॉर होमवर्क यू विल डू एक्टिविटी इंडिपेंडेंट एक्टिविटी नंबर फोर गिवेन ऑन पेज नंबर फोर्टी टू क्विकली ओपन एट सो दिस विल बी योर होमवर्क डिस्प्ले सी मेजर क्रॉप सच एज वीट राइस मेज पल्स ग्राम्स ऑन अ चार्ट पेपर बाय पैकिंग डेम इन अप लॉक बैग लेबल सो माई डियर स्टूडेंट्स अब आपने होमवर्क में एक चार्ट पेपर लेना है और चार्ट पेपर पे आपने कि वीट राइस मेज इनके मेदार ले लीजिएगा पैकेट में सील करके स्टेपल कीजिएगा या जिप लॉक बैग लीजिएगा और उसके बाद पे ऑन द चार्ट चार्ट पेपर नीचे आपने नाम भी लिखना है दैट दिस इज अ व्हीट क्रॉप और उसके बाद आपने ये भी बताना है कि इज इट अ कैश क्रॉप और अ फूड क्रॉप आप इस तरीके से कॉलम बना लीजिएगा कैश क्रॉप एंड फूड क्रॉप और उसके नीचे आपने अपनी डिजायर्ड क्रॉप जो है वो पेस्ट करते जानी है सो यू विल डू दिस एक्टिविटी इन योर होमवर्क ओके सो नाउ इज अ टाइम फॉर रैपअप सिल्क वम प्रोड्यूस सिल्क लैम वूल इज यूज टू मेक वूल कोट्स एंड स्वेटर्स सो टुडे वी हैव लर्न कि हम कहाँ से जो है मुख्तलिफ चीजें लेते हैं जिनसे हम सिल्क क्लोथ और स्वेटर्स जो है वो बुनते हैं ओके माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव लेक्चर। कीप एवरीबडी अराउंड यू सेफ। हैव अ गुड डे थैंक यू सो मच एन अल्लाह